इसलिए आज हम फास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 है ईएमएस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में। अब तक जो हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, एक पोर्शन, ये जो मेजर पोर्शन है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड देयर इंपैक्ट्स, ये जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो नया स्टेप आता है वो आता है मिटिगेशन का। मिटिगेशन मींस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ समथिंग। डिक्लेरेशन
उस इन्वायरमेंटल इस एस्पेक्ट का इंपैक्ट क्या आ सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, और उस इंपैक्ट अगर वो लिमिट्स के अंदर है, ठीक है, अगर इफ इट इज इन द परमिसिबल लिमिट, अगर वो लिमिट के अंदर है देन देयर इज नो नीड टू मिटिगेट, और अगर ये प्रॉब्लम जो है वो लिमिट्स के अंदर नहीं है देन यू विल प्रोवाइड द मिटिगेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका छोटा सा एक फ्लो चार्ट बन सकता है, वी नो दैट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स कंप्यूटिंग वाले तो इसका एक फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स उसका कोई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है। अच्छा, अगर उस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर अंदर है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम विल बी एग्जिट, देयर इज नो नीड टू सॉल्यूट, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और अगर इसको क्या कहते हैं परमिसिबल लिमिट्स के अंदर नहीं है, इफ इट इज नॉट, तो हम क्या करेंगे, इफ यस, इफ यस यानी आपका जो एस्पेक्ट है उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है अगर वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर अंदर है तो हम एग्जिट कर देंगे, इफ नो अगर वो नहीं है तो क्या होगा, वी विल प्रोवाइड द मिटिगेशन। तो यहाँ पे सारा फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम या डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये मेन चीजें हैं एस्पेक्ट एस्पेक्ट इंपैक्ट एंड देयर मिटिगेशन, ठीक है। तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनका इंपैक्ट क्या है और उसकी मिटिगेशन क्या है। तो एक एक एस्पेक्ट जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर लिया था कि एक एस्पेक्ट उठाया था आपने, एक एस्पेक्ट उठाया और उसका इंपैक्ट चेक किया, परमिसिबल लिमिट्स के अंदर आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा, तो उसका सॉल्यूशन या मिटिगेशन बता दें, उस मिटिगेशन मींस यू आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक बात जो आपके ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, सॉल्यूशन भी समझ आ गया, लेकिन हम ये कैसे चेक करेंगे कि उस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की परमिसिबल लिमिट्स क्या है, हाउ वी विल चेक दैट दिस एस्पेक्ट हैज अ सर्टेन परमिसिबल लिमिट, इसकी हमें कैसे पता चलेगा कि परमिसिबल लिमिट्स क्या हो सकती है, परमिसिबल लिमिट्स उस एस्पेक्ट और उसके इंपैक्ट की परमिसिबल लिमिट क्या होगी, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, परमिसिबल लिमिट वो कोई, मैं आपको बता देता हूँ, वो कोई इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, वो कोई आपका नेशनल कोई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड या क्वालिटी स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एनी यूएस या उस प्रोविंशियल का जो अपना इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड बना हुआ है, या वो पर्टिकुलर कोई इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, कोई WHO की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई इंटरनेशनल इदारा है, टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे बनेंगे जिनकी अपनी परमिसिबल लिमिट्स हैं। तो ऐसी सूरत में हमने उन परमिसिबल लिमिट्स को अपना टारगेट रखा, तो दैट इज आवर टारगेट, यानी एस्पेक्ट में हमारा वो टारगेट है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का पीएच मैटर करता है, सपोज दिस इज 9 मिनट, कोई 9 मिनट है, तो अब आपको पता है कि परमिसिबल WHO की परमिसिबल पीएच से रिलेटेड या ड्रिंकिंग वाटर के लिए या वेस्ट वाटर के लिए जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 6.5 to 8.5। तो ये अब आपको ये क्या मिल गया, ये आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गया, दिस इज द रेफरेंस कि आपकी कंपनी पानी गिरा सकती है, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, मतलब यू कैन प्रोड्यूस द वेस्ट। हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल वेस्ट प्रोड्यूस ही ना करें,
एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आपसे ये डिमांड करता है कि आपको हम सर्टेन लिमिट्स दे रहे हैं, आप मर्क्यूरी प्रोड्यूस करें, आप लेड प्रोड्यूस करें, पीएच प्रोड्यूस करें, कोई भी पैरामीटर आप प्रोड्यूस करें, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उस लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पीएच वर्स किया, पीएच की लिमिट है डब्ल्यूएचओ की 6.5 से 8.5। और अगर इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्ट वाटर जनरेट करे, सो लिखे तो डब्ल्यूएचओ परमिसिबल लिमिट्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर कर दें या सैवेज वाटर कर दें या इंडस्ट्रियल वाटर कर दें, कुछ भी कर दें, अगर इसकी लिमिट डब्ल्यूएचओ की इतनी है तो ये आपका एक रेफरेंस वैल्यू है। दिस इज द रेफरेंस वैल्यू। यानी हमारा अगर वेस्ट वाटर इस रेफरेंस वैल्यू के अंदर पीएच ला रहा है, यानी 6.5, यानी अगर आपने टेस्ट किया उस वेस्ट वाटर को टेस्ट किया आपके पास ये भी आई 8.4। ठीक है, देन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है 8.4। नाउ दिस पीएच इज डिस्टर्ब, बट दिस पीएच इज विद इन द परमिसिबल लिमिट डिस्क्राइब बाय डब्ल्यूएचओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लिमिट के अंदर है। सो अब इसको इस वेस्ट वाटर को देयर इज नो नीड टू मिटिगेट, आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप उसको एज इट इज आगे फेंक देंगे। तो मिटिगेशन तो उस सूरत में होगी इफ अगर आपने टेस्ट कराया एक यूनिट है जिसमें पीएच बहुत नीचे आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि पीएच प्रोड्यूस कर रही है 5.5। नाउ द रेफरेंस वैल्यू, हम रेफरेंस वैल्यू की तरफ जाएंगे, वो कितनी है, कितना होना चाहिए 6.5, जबकि आपकी कंपनी कितनी प्रोड्यूस कर रही है 5.5। तो अब ये प्रॉब्लम है, नाउ दिस एस्पेक्ट नीड्स मिटिगेशन, इसकी मिटिगेशन की जरूरत है ताकि आप उस क्राइटेरिया को मीट कर लें। तो बताने का मकसद ये है कि परमिसिबल लिमिट्स, इंडस्ट्री की परमिसिबल लिमिट्स रिगार्डिंग आपने डिसाइड करना है कि भाई हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं या हम जो एस्पेक्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये उस रेफरेंस वैल्यू या परमिसिबल लिमिट्स के अंदर आ रहा है देन देयर इज नो नीड टू मिटिगेट। और अगर ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, इट इज अवे फ्रॉम द परमिसिबल लिमिट डिजाइन बाय द स्टेट, जो स्टेट ने उसको डिजाइन किया है, जिस स्टेट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको डब्ल्यूएचओ में रहा बताया, तो उसकी आपको लिमिट्स मीट करनी है। पाकिस्तान की बात करें, फिट आउट अबाउट द पाकिस्तान के अंदर ये परमिसिबल लिमिट्स क्या है, नेशनल लेवल पे बनी हुई है एनईक्यूएस के नाम से। ठीक है, नेशनल लेवल पे बनी हुई है एनईक्यूएस, जिसको कहते हैं नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो हमारे यहाँ जो
सेटअप चलते हैं उस तरह चलते हैं, आपने हमारे जो रेफरेंस वैल्यू है वो सिंथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा सी एक्ट है 2014, तो हमारे यहाँ जो है वो सिंथ एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड बनेंगे, पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड बनेंगे, ये हमें रेफरेंस वैल्यू बताएंगे फॉर अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। तो हमने चेक करना है रेफरेंस वैल्यू में क्या होगा, उस अगर पंजाब में कोई इंडस्ट्री लग रही है तो हमारे पास रेफरेंस वैल्यू क्या है, पंजाब PQS है, ठीक है, PQS की वेबसाइट, पंजाब की वेबसाइट पे या पंजाब के जो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से हो, सैलिनिटी वाटर के हवाले से हो, प्रोसेस इंडस्ट्री के हवाले से हो, वो एयर एमिशंस के हवाले से हो, नॉइस के हवाले से हो, तो हम उनको मिटिगेट करेंगे इफ उस परमिसिबल लिमिट्स के अंदर नहीं आ रहे, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब तक जो मैंने आपको बताया तो ये था कि स्पेशल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में एस्पेक्ट्स की क्या हैसियत है, इंपैक्ट्स क्या होते हैं, इंपैक्ट्स इफ इफ एस्पेक्ट इज विद इन द परमिसिबल लिमिट्स तो हम क्या करेंगे, इफ इट इज एक्सीडिंग द परमिसिबल लिमिट्स किसी भी सेंस में एक्सीड कर रहा है देन वी विल गो टुवर्ड्स मिटिगेशन, और उनको देखने के लिए हमारे पास जो रेफरेंस होगा वो हमारे एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है रिलेटेड टू नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल। तो ये मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी गाइडलाइन दी। अब आ जाएंगे इससे तो हम बाहर आए एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट और मिटिगेशन से, तो ये जब मैं फर्दर यूज करूंगा तो वहाँ मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू हैव आपके पास पहले से आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम्हारे आ जाओ मैं मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो EMS, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि we have MS and this MS stands for management system. Management system, अच्छा management system को ISO के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था, उसी के थ्रू हम लेके चलेंगे। आप ये याद रखिएगा कि management system कोई भी हो, if it is EMS, if it is QSMS, QQMS or it is HSMS या FSMS, ठीक है, या EMS, ठीक है, environmental management system है, quality management system है, health and safety management system है, food safety management system है, या energy management system है, तो ये इन सब के आखिर में आपको MS नजर आएगा, इन सब के आखिर में आपको क्या नजर आएगा, MS, यानी means you are going to manage the system. तो मैनेजमेंट का रोल ये ही है, जब किसी भी चीज को आप मैनेज करने जाएंगे तो जो की पॉइंट्स हैं उन मैनेजमेंट सिस्टम के वो सेम ही है और उन की पॉइंट्स को एक साइकिल के थ्रू भी प्रेजेंट किया जा सकता है। इस साइकिल को नॉर्मली पहले ही पढ़ चुके हैं, इस साइकिल को नॉर्मली हम कहते हैं डेनिंग साइकिल, इसका दूसरा नाम शियोवार्ड साइकिल भी है, मैं स्पेनिश शायद भूल गया, उसके शियोवार्ड साइकिल भी है, डेनिंग साइकिल भी है। तो इस साइकिल में चार जो मेन फोर पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साइकिल को हम PECA साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल में भी रेफर्ड है PDCA साइकिल, और PDCA साइकिल फर्दर एक्सप्लेन है प्लान डू चेक एंड एक्ट, ठीक है, तो PDCA साइकिल क्या है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, तो सेट इज बेस्ड ऑन PDCA प्लान डू चेक एंड एक्ट। अच्छा PDCA को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये शीवार्ड साइकिल जो है ये एक्सप्लेन होती है पॉप मार्क सिग्नल या कॉपी मार्क सिग्नल जो निगोशिएटर भी बहुत पहले दिया गया था, ये इट इज फर्दर एक्सप्लेन बाय पॉपी मार्क, इट इज फर्दर एक्सप्लेन बाय कॉपी मार्क, याद रखने के लिए करते हैं कॉपी मार्क, ठीक है, तो कॉपी मार्क मींस ये भी एक एब्रिविएशन है जो कि किसको एक्सप्लेन करता है PDCA, PDCA is further explained by copy mark,
और वो पॉलीमर कैसे बनता है, वी कैन से हियर पी स्टैंड्स फॉर पॉलिसी, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग एंड आई स्टैंड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन, एम स्टैंड्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, ए स्टैंड्स फॉर ऑडिट एंड आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू. दिस इज कॉल्ड पॉपीमा, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, मेजरिंग परफॉर्मेंस, ऑडिट एंड रिव्यू. और ये किससे, ये किसको बता रहा है, पॉपीमा किसको बता रहा है, बैक में बता रहे हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, मैं इसको एक पॉइंट मिला के मिला रहा हूं. ये बताते हैं हमारे पी डी सी और ए को, यानी प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. और अगर इसको पीछे बैक में लाए तो ये हमें ये चारों एक पॉइंट आगे मिल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम. तो मैनेजमेंट सिस्टम की जो हायरार्की है, मैनेजमेंट सिस्टम की जो एक्सप्लेनेशन है, वो इसका जरूरी होगी. मैनेजमेंट सिस्टम में पीडीसीए साइकिल देखेंगे, यानी प्लान टू चेक इट, और प्लान टू चेक इट फर्दर एक्सप्लेन होगा. मैनेजमेंट सिस्टम इज एक्सप्लेन बाय पीडीसीए साइकिल, पीडीसीए साइकिल इज फर्दर एक्सप्लेन बाय बॉबी मार. तो अब इसके अंदर एक बात जाहिर कर लीजिएगा, प्लान फेज के अंदर हमें नॉर्मली प्लान फेज के अंदर हमें क्या करना होता है, प्लान फेज के अंदर हमें तीन पॉइंट लेने होते हैं, 1 2 और 3. सो इन प्लान फेज वी नीड टू कवर दीज थ्री पॉइंट्स, यानी पॉलिसी बनानी इसके अंदर आपने, इसके अंदर आपने प्लानिंग करना है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है. तो पॉप मींस प्लान, पॉप मींस टू प्लान. अच्छा, नेक्स्ट फेज है हमारे पास डू फेज, और डू फेज स्पेशली मैं इसको अलग से लेके जा रहा हूं. डू फेज के अंदर क्या आएगा, डू फेज के अंदर आता है हमारा इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन. इसको दूसरे बात में भी कह सकते हैं कि इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन. डू फेज में हमने जो प्लान किया था, ठीक है, हमने जो प्लान किया था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर ले जाते हैं. फिर चेक फेज के अंदर क्या होता है, चेक फेज के अंदर हमारे पास आता है मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड ऑडिट, ये दो पॉइंट, ठीक है. दिस इज 1 2 3, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है. ये हो गए फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट, यानी चेक फेज के अंदर हम ऑडिट के थ्रू परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और चेक फेज के अंदर क्या आता है, एक्ट फेज में रिव्यू आता है. सो दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, हम रिव्यू करते हैं कि आया जो हमने प्लान किया था, वेदर वी मीट आवर टारगेट और नॉट. तो ये पूरा पीडीसीए साइकिल आपका कॉपी मार्क से एक्सप्लेन होता है. तो मैनेजमेंट सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ पीडीसीए साइकिल, एंड पीडीसीए साइकिल इज फर्दर एक्सप्लेन बाय कॉपी मार्क मींस प्लान फेज, ठीक है. प्लान में आपका पॉप आ जाएगा, डू में आपका इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन आ जाएगा, चेक के अंदर जो हमने प्लान और इंप्लीमेंट किया है उसको चेकिंग कर रहे हैं थ्रू थ्रू ऑडिट के थ्रू, उसमें हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि हम कहाँ पे, और फाइनली हम रिव्यू करेंगे अगर कोई इसके अंदर कोई खामी या कोई लिमिटेशन रहती है तो हम उसको रिव्यू करेंगे फॉर द बेटर. यहाँ तक ये इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इसके अंदर और एक्सप्लेन करने के बाद इसके एग्जांपलों के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ के एशिया के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा मशहूर है. तो क्रिकेट में अगर हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो मैं उसी मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिकेट के ऊपर अप्लाई करता हूँ. कि सपोज हमारा मैच है किसी टीम के साथ, वी हैव अ मैच विद समवन, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ मैच है,
तो जब हम ग्राउंड में उतरे उतरने से पहले वी नीड टू प्लान, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका प्लान करेंगे, मतलब पॉलिसी, पॉलिसी क्या है, प्लान क्या है, वही पॉप पॉलिसी क्या है, हर प्लेयर की पॉलिसी है कि वी आर गोइंग टू विन द मैच, ये पूरी पूरी टीम की पॉलिसी है कि हमने मैच जीत के आना है। अब माइंड में सबके जब पॉलिसी पूरी टीम की ये है, पाकिस्तान की है कि वी आर गोइंग टू विन द मैच, हम खेलने से जा रहे हैं हमने जीत के आना। तो अब ये पॉलिसी हर एक के पास, हर एक का दिमाग यही है, पॉलिसी मस्ट बी डिलीवर्ड टू ऑल ऑफ द स्टाफ, ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि पॉलिसी जो है आपकी स्टाफ के पास डिलीवर होनी चाहिए। तो आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपका स्टाफ है, वो आप वो उनकी कमिटमेंट यही है, उनके सब एक कमिटमेंट के साथ जा रहे हैं कि भाई वी आर गोइंग टू विन द मैच, हम मैच जीतने जा रहे हैं। उसके लिए फिर जब प्लान करते हैं तो प्लान हमारी पॉलिसी बन गई, फिर हम उसको प्लानिंग फेज में लेके जाते हैं कि भाई कौन जो है वो अगर हम टॉस जीतेंगे तो कौन पहले बैटिंग करेगा, टॉस हारेंगे तो बॉलिंग पहले कौन करेगा, हमारा अटैक बॉल कौन है, हमारे ओपनर्स कौन है, हमारा वन डाउन कौन है, पहले से प्लानिंग हम उस वक्त करेंगे, पिच की कंडीशन देख के पहले किसको ओपनर भेजना है, किसको पहले बॉलिंग देनी है, स्पिनर पहले काम करेगा या फास्ट बॉलर पहले काम करेगा, तो ये आपकी प्लानिंग आप प्लानिंग करें। फिर जब आपने प्लान कर लिया कि हाँ भाई अगर टॉस जीत के बैटिंग करनी है या टॉस जीत के बॉलिंग करनी है तो पहला ओवर किसको देना है, सपोज ध्यान रखते हैं हमारे पास अच्छी बॉलर है मोहम्मद आमिर है, हम सबसे हमने अपने कहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव है, तो अब हमने कहा जब स्पिनर्स को हम अपने किसी स्पिनर को बॉलिंग करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हम जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस दे रहे हैं कि पहले ओवर कौन कराएगा, ही इज द बॉलर तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो ऑर्गेनाइज फेज में पहले पॉलिसी दे कमिटमेंट कि मैच जीतना है, और प्लानिंग फेज में क्या करना है, बट यू नीड टॉस जीत के टॉस हार क्या करना है, फिर ऑर्गेनाइज फेज में आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, पहले बैटिंग कौन करेगा, रन डाउन कौन जाएगा, कि उस हर हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखिए मैनेजिंग सिस्टम या कोई भी सिस्टम जब कामयाब होता है जब जिस बंदे को रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी आ रही है अगर वो उसको फुलफिल करे, बैट्समैन तभी कामयाब होगा जब वो एक अच्छा स्कोर लेके जाए, उससे बॉलिंग की डिमांड ही नहीं हो रही, वी कैन नॉट डिमांड बॉलिंग फ्रॉम बैटिंग फ्रॉम मोहम्मद आमिर, आमिर से डिमांड कर ही नहीं सकते बिकॉज ही इज नॉट अ पेटेंट बैट्समैन ही है, इसी तरह हम बैट्समैन से जो है हम बॉलिंग की डिमांड नहीं कर सकते। तो एवरी पर्सन इन द मैनेजमेंट सिस्टम हैज इट्स ओन रोल, उसका अपना एक रोल है, उसकी अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ही मस्ट फुलफिल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बोझ एक के ऊपर नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ऑर्गेनाइज होता है, मतलब कुछ लोग मिलके एक थॉट के साथ काम कर रहे हैं, दिस इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब तीसरे नंबर पे आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी तो ये आपका प्लान फेज कंप्लीट हो जाए, यानी आपने इसके अंदर पॉप कंप्लीट कर दिया, पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग और प्लान, पॉलिसी मैच जीतना है, ऑर्गेनाइजिंग मींस सॉरी प्लानिंग मींस आपने किसको क्या क्या बताना है, और ऑर्गेनाइजिंग मींस किसको क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। फिर दूसरे नंबर पे जब हमारी डू साइकिल आती है, साइकिल डू का पीरियड आता है, तो डू में आपको पता है कि अब जो हमने पॉप किया है मतलब जो हमने प्लान किया है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन की तरफ लेके आना है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ आवर प्लानिंग। हमने जो पॉप के अंदर सेट किया है प्रोसीजर, बॉलिंग जीत के बैट ऑफ जीत के बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है, ये हमारे इस फेज के अंदर, अब हम अगर सर से टॉस जीत गए तो वो जो हमने प्लान किया था उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, हाँ भाई पहले ओवर इनको देना है, ठीक है अब मैच शुरू हुआ, ठीक है पहला ओवर दिया हमारे पहले बॉलर की धुलाई हो गई, नाउ अब हमने जो हमने इंप्लीमेंट किया था उसको हम चेक करेंगे क्या पहले जो है 10 ओवर के अंदर जो है वो बॉलर्स की अगर पिटाई होगी धुलाई होगी तो यू नीड टू मेजर द परफॉर्मेंस, ठीक है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस को मेजर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं ऑडिट लिखे ना लेकिन हम वी आर गोइंग टू मेजर द परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस मेजर भी कर रहे हैं कि आई हैव
कहां पे गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो अब अपॉन द स्पॉट में फॉरन कैसे बदल देते हैं, उसके बॉलर की मिटाई ज्यादा हो गई। नाउ यू नीड टू, हम क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे जो हमने प्लान किया था, यानी हमने जो एक्ट किया था हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू। रिव्यू ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, रिव्यू मैच हारने के बाद भी ओवरऑल रिव्यू भी होता है कि भाई हम कहां हमारी मिस्टेक्स थी, कहां हमारे फॉल्ट थे। तो प्लान फेज में तो फॉल्ट मेजर परफॉर्मेंस में लेते हैं कि इस बॉलर ने यहां पे बॉलिंग सही नहीं कराई, या उस वक्त फास्ट बॉलर को देना मुनासिब नहीं था, स्पिन को देना चाहिए था। तो हम रिव्यू करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे इस हमारे जो प्लान फेज था उसने सही वर्क किया या नहीं किया। इफ इट इज नॉट वर्क वेल देन वी नीड टू रिव्यू, हम इसको रिव्यू करेंगे कहां मिस्टेक्स हुई थी। तो ये हमारा कहलाता है पीडी सेशन। तो इसको एक्सप्लेन मैं आपको सिंपल एक मैच के थ्रू किया, एक गेम के थ्रू किया। तो ये यही आपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी करना है कि आपने आप लेके आए पॉलिसी, लेके आए एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई आपने, कि भाई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमिटेड है एनवायरमेंट पे काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन पे करने के लिए तैयार है, ऑर्गेनाइजेशन उस पर खर्च करने के लिए तैयार है, इंप्लीमेंट करेगी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जब उसने कमिट कर लिया तो अब आपको उसको प्लान करके इंप्लीमेंटेशन करनी है। जब आपने प्लान कर लिया आपके पास कुछ टारगेट्स होंगे, ठीक है, उन टारगेट्स को आपने अचीव करना है। अगर वो टारगेट्स आपके मिल गए तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक जा रही है। इफ यू नॉट गेट द टारगेट्स देन इट मींस यू नीड टू रिव्यू द आपका ओवरऑल क्राइटेरिया कि कहां आपने फॉल्ट किया है, कहां आपकी प्रॉब्लम्स। तो आपको मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दोबारा बता दूं, मैनेजमेंट सिस्टम को हमने पीडीसीए साइकिल से एक्सप्लेन किया था जो कि डैनिंग साइकिल या शिमॉट साइकिल भी कहलाती है, और इसको फिर हमने फर्दर पीडीसीए साइकिल और पॉपिमास से एक्सप्लेन किया। वो मैंने एग्जांपल आपको अलग से दिए हैं, लेकिन यहाँ जो है मैं आपको ये इसको बेस बनाते हुए हम इसको ईएमएस पे अप्लाई करेंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये पॉपिमास को और पीडीसीए साइकिल को, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।